मुंबई की कांदिवली पुलिस ने बांद्रा से बोरीवली के बीच दर्जनों दुकानों में चोरी करने के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब उसका मेडिकल चेकअप किया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद आरोपी को कांदिवली पश्चिमी साई नगर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और कल ये चोर क्वारंटाइन सेंटर की खिड़की की जाली काटकर वहां से भाग निकला। वहीं पुलिस को खबर मिलते ही चोर को 24 घंटे के भीतर ही असीवारा इलाके से पकड़ लिया गया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी से मिलने के लिए क्वारंटाइन सेंटर से भाग कर गया था। आरोपी का नाम करीम सुमुल्ला खान है, जिसकी उम्र 24 साल है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है जो क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया था। क्या हुआ? कांदिवली पुलिस स्टेशन में रात में एक घरपुरी का केस दर्ज हो गया था और घर जो होने गया दो तीन दुकान में चोरी हो गया था, मेडिकल सेंटर में भी चोरी हो गया था। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन करके हमारे डिटेक्शन ऑफर पीएसआई पावर और टीम ने अच्छा काम करके रिक्शा के साथ उसको अरेस्ट किया था। 25 तारीख को अरेस्ट करने के बाद उसको 28 तारीख तक कोविड पॉजिटिव मिला था। उसके बीच में उसका कोविड टेस्ट किया तो उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तुरंत हमने उसको साईनगर में कोविड सेंटर है उधर उसको क्वारंटाइन करके रखा था और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही थी। हमारे गार्ड नीचे लगाए थे लेकिन वो दूसरे माले से खिड़की से ग्रिल से अंदर से नीचे उतर के वो भाग गया था और भाग जाने के बाद हमने तुरंत ढूंढा तो नहीं मिला तो उसके खिलाफ हमने कस्टडी से भाग गया, इसलिए उसके खिलाफ केस रजिस्टर करिए। कोविड होते हुए भाग गया और कोविड का प्रेस करेगा इसलिए उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके उसको ढूंढ रहे थे। हमने तीन टीम लगाया था उसको ढूंढने के लिए लेकिन इधर से भागने के बाद वो घर पर नहीं गया, इधर उधर से वो घर पर फोन कर रहा था। लेकिन 24 घंटे के अंदर हमने उसको आनंद नगर वशूरा से वो पत्नी को मिलने के लिए आना है, इसकी खबर मिलने के बाद उसको पकड़ के तुरंत उसको पीपी किट पहना के पुलिस स्टेशन लाके उसको अरेस्ट करके अभी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उसको रखा है आगे ट्रीटमेंट के लिए।